तो गाइस आज की इस वीडियो होने वाला है एक बड़ी ही क्यूट सी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर जिसका नाम है एमजी कॉमेट। ये एक टू डोर फोर सीटर गाड़ी है जिसे 26 अप्रैल को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इसमें तीन वेरिएंट्स अवेलेबल है, बेस वेरिएंट पेस जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 7,98,000 रुपये से एक शोरूम, उसके बाद मिड वेरिएंट प्ले जिसका प्राइस है 9,28,000 रुपये से एक शोरूम और टॉप वेरिएंट प्लस जिसका प्राइस है 9,98,000 रुपीज़ एक शोरूम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। कॉमेट की लेंथ है 2,974 mm, वेथ है 1,505 mm, हाइट है 1,640 mm और व्हील बेस है 2,010 mm। इस गाड़ी में 16 इंच का स्टील रिम दिया गया है ट्यूबलेस टायर के साथ और इसका टायर प्रोफाइल है 145/70। तो बात करें इंजन ऑप्शन की तो इसमें 17.3 kW की बैटरी के साथ 40.14 BHP का मोटर दिया गया है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जो पावर जनरेट करता है 41.42 BHP और 110 nm टॉर्क का। लगभग 7 घंटे लगते हैं इसे फुल चार्ज होने में और इसमें 230 किलोमीटर का रेंज क्लेम किया गया है। तो अब बारी आती है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बेस वेरियंट की। तो इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, एयर कंडीशनर, हीटर, रियर सीट हेडरेस्ट, नेविगेशन सिस्टम, कीलेस एंट्री और इसके रियर सीट फोल्डेबल है 50:50 में, फ्रंट USB चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। एडिशनल फीचर्स में फुल्ली डिजिटल क्लस्टर विथ 17.78 cm की LCD स्क्रीन के साथ, वन टच स्लाइड एंड रिक्लाइन पैसेंजर सीट फॉर सेकेंड रो एंट्री, फ्रंट को ड्राइवर ग्रैब हैंडल जैसे फीचर्स मिलते हैं इसके बेस वेरियंट पेस में। तो अब बात करते हैं मिड वेरियंट प्ले में कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो इन सभी फीचर्स के अलावा एडजस्टेबल स्टीयरिंग, वेनिटी मिरर, फाइंड माई कार लोकेशन, वॉइस कंट्रोल और एडिशनल फीचर्स में डिजिटल क्लस्टर 26.04 cm का मिलता है। और इसकी टॉप वेरिएंट में स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा स्मार्ट स्टार्ट सिस्टम, इंटेलिजेंट की जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट दोनों में ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ्रंट में 2 स्पीकर्स मिलते हैं। इसके अलावा एडिशनल फीचर्स में आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी दिया गया है 55+ कार कनेक्टेड फीचर्स के साथ, 3 USB ports विथ फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसकी बेस मॉडल में ही सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, डे नाइट IRVM, फॉलो मी हेडलैम्प्स, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट्स प्रिवेंशनर विथ फोर्स लिमिटर, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, 3-point seat belts फॉर ऑल पैसेंजर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिया गया है। और इसका टॉप 2 वेरिएंट्स में इन सभी फीचर्स के अलावा सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। तो यहाँ तक समझ में आता है कि सेफ्टी फीचर्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसके बेस वेरिएंट में ही सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात करें एक्सटीरियर की तो एक्सटीरियर में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, पावर एडजस्टेबल ORVM, व्हील कवर्स, टर्न इंडिकेटर्स इन ORVM, क्रोम ग्रिल, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स और इंटीरियर में डिजिटल ऑडोमीटर, ग्लव बॉक्स पर वो कूल नहीं है, फैब्रिक अपोलस्ट्रेज जैसे फीचर्स दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के आप लोगों को इस गाड़ी के वेरिएंट्स वाइज प्राइस जस्टिफाई लगता है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।